राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन खाद अमोनियम सल्फेट के बारे में। अमोनियम सल्फेट के बारे में एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आखिरकार अमोनियम सल्फेट है क्या, इसके अंदर कौन कौन से जो टेक्निकल है वो मिक्स है, कौन कौन से खाद इसके अंदर मिक्स करके बनाए गए हैं, कितनी कितनी मात्रा उनकी दी गई है, कौन कौन सी फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ड्रिप में हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी है, स्प्रे में हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी है, क्या स्प्रे हम इसका कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, जड़ों के पास में हमें इसे कितना देना है, इसे डालने का बिल्कुल सही और उपयुक्त समय हमारी फसलों के लिए क्या होने वाला है, कौन कौन सी फसलों में हम इसे दे सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के A to Z संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको अमोनियम सल्फेट के बारे में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमोनियम सल्फेट आखिरकार है क्या। अमोनियम सल्फेट के अंदर किसान भाइयों अमोनियम और किसान भाइयों सल्फर, इन दोनों के जो टेक्निकल है वो देखने को मिल जाते हैं। अमोनियम की जो मात्रा इसके अंदर दी गई है वो दी गई है किसान भाइयों लगभग 20.5%, वो सल्फर की जो मात्रा इसके अंदर दी गई है वो दी गई है किसान भाइयों 23%। तो अमोनियम और सल्फर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अमोनियम सल्फेट कहा जाता है। यह एक ऐसा खाद है जो किसान भाइयों हमारी फसल की पूरी संरचना को ही चेंज कर देता है, यानी कि इस खाद का उपयोग यदि हम अपनी फसल के अंदर करते हैं तो हमारी फसल अच्छी तरीके से हरी भरी होकर के अच्छी तरीके से शानदार तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर किसान भाइयों आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, गन्ने की फसल हो, धान की फसल हो या फिर कोई सी भी फसल क्यों ना हो, लगभग लगभग किसान भाइयों 90% फसलें ऐसी हैं जिन्हें जो यूरिया है, जिन्हें जो नाइट्रोजन है, ये किसान भाइयों इन फसलों को डायरेक्ट नाइट्रेट रूप में अगर मिलता है तभी ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप यूरिया अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो यूरिया डालने के बाद यूरिया सबसे पहले अमाइट्स में टूटता है, अमाइट्स के बाद किसान भाइयों अमोनियम में टूटता है और अमोनियम के बाद किसान भाइयों वो नाइट्रेट में टूटता है। जब यूरिया जो है चार भागों में टूटकर नाइट्रेट में पहुंचता है उसके बाद हमारी फसलों को ये मिलना शुरू होता है, यानी कि लगभग यूरिया डालने के 3 से लेकर 4 दिन के बाद हमारी जो फसलें होती हैं वो अच्छी तरीके से यूरिया का उपयोग करना शुरू कर देती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने यूरिया डाला और हमारी फसल डायरेक्ट ही यूरिया को ग्रहण करना शुरू कर दे, तो हमारी फसल कभी भी यूरिया को डायरेक्ट ग्रहण नहीं करती है, हमेशा यूरिया की नाइट्रेट फॉर्म को ही हमारी फसलें जो है ग्रहण करना शुरू करती हैं, उनसे ही वो अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाल करके देती हैं। तो इस चीज का आपको किसान भाइयों ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अमोनियम सल्फेट के फायदों के बारे में कि इससे हमारी फसल पर क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो अमोनियम सल्फेट का फायदा यह है कि जब आप इसे अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो हमारी जो फसलें होती हैं वो किसान भाइयों हरी भरी होनी शुरू हो जाती हैं। क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है, क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है वो अमोनियम सल्फेट खाद बहुत तेजी के साथ करता है, जिससे जो हमारी फसल है अच्छी तरीके से ग्रोथ करके नई नई टहनियों का, नई नई ब्रांचेस का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसके अलावा किसान भाइयों जो हमारी तलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इनके अंदर भी इसके बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपको किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट को डालने के बाद हमारी फसल के अंदर लगभग 15 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाती है। इसके और भी बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका उपयोग हमें कहाँ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। जिस मिट्टी का पीएच मान यदि क्षारीय है, यानी कि लगभग 6.5 से ऊपर का जो पीएच मान होता है, उस मिट्टी के अंदर यदि आप अमोनियम सल्फेट को डालेंगे तो किसान भाई हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि क्षारीय मिट्टी के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो खाद होता है वो होता है अमोनियम सल्फेट। यदि आपकी मिट्टी अम्लीय है तो अम्लीय मिट्टी के अंदर आपको अमोनियम सल्फेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा अमोनियम सल्फेट का उपयोग यदि आप क्षारीय मिट्टी में करेंगे, ज्यादा पीएच वाली मिट्टी में करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं फसलों की बात करूं तो धान की फसल एक ऐसी फसल है कि धान की फसल के अंदर यदि आप अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं तो आपको बेहतर और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। धान की फसल के अंदर अमोनियम सल्फेट सबसे बेहतर कार्य करता है। बात करते हैं इसे हम किस किस फसलों के अंदर डाल सकते हैं। तो अमोनियम सल्फेट को आप धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, अनार हो, टमाटर हो, तरबूज हो, मूली हो, सलगम हो, कोई भी आपकी फल वर्गीय फसल हो, तेलीय वर्गीय फसल हो या आपकी किसी भी तरह की कोई सी फसल क्यों ना हो, सभी फसलों के अंदर आप लगभग लगभग सभी फसलों में अमोनियम सल्फेट का उपयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। अच्छी तरीके से यह हमारी फसलों पे एक शानदार पैदावार और शानदार उत्पादन निकाल कर देने की क्षमता रखता है।
बात कर लेते हैं, इसे हम किसान भाइयों ड्रिप विधि में कैसे दे सकते हैं, स्प्रे में कैसे दे सकते हैं और जड़ों के पास में हम इसे कैसे दे सकते हैं। जो हमारा अमोनियम सल्फेट होता है, इसकी यदि मैं ड्रिप की बात करूँ तो ड्रिप विधि में आपको इसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप अमोनियम सल्फेट को लेते हैं और ड्रिप विधि में आप इसे चलाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कम समय में हमारी फसल के ऊपर अच्छी तरीके से ग्रोथ करके हमारी फसल की बढ़वार को ये बढ़ाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो ड्रिप विधि में आप इसे 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चलाएंगे। यदि मैं स्प्रे की बात करूँ तो स्प्रे में किसान भाइयों अभी तक मैंने इसका एक भी बार उपयोग करके नहीं देखा है, तो स्प्रे में आपको इसका उपयोग नहीं करना है। यदि भविष्य में मैं इसका उपयोग करके देखता हूँ और मुझे इसके कैसे रिजल्ट मिलेंगे तो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा कि अमोनियम सल्फेट की कितनी मात्रा आपको लेनी है और किस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है। तो इस चीज का भी किसान भाइयों आप आगे बिल्कुल ध्यान रखेंगे और अपने इस भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि किसान भाइयों मैं इसी तरह की जो जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहा हूं, इन जानकारियों से आप अच्छी अच्छी खेतियां कर सके। बात कर लेते हैं किसान भाई जड़ों के पास में कि यदि हम जड़ों के पास में इसे डालना चाहते हैं तो हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी होगी। तो लगभग किसान भाई 10 किलोग्राम से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप अमोनियम सल्फेट को लेते हैं और जड़ों के पास में डाल करके आप अपनी फसल की सिंचाई कर देते हैं तो ये शानदार और बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकता है। तो किसान भाइयों ये ड्रिप विधि में भी काम करता है और आपके जड़ों के पास में डालकर भी काम करता है। बात करते हैं ये कितने दिन तक अच्छी तरीके से रेट निकाल करके देता है और कितने टाइम में ये कार्य करना शुरू कर देता है, साथ ही साथ क्या हम इसे किसी कीटनाशक के साथ या फंगीसाइड के साथ डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। यदि किसान भाई अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग आज आपने अपनी फसल के अंदर किया तो लगभग 1 से लेकर 2 दिन के अंदर जो अमोनियम सल्फेट खाद है ये नाइट्रेट में रूपांतरित होकर के नाइट्रेट में ट्यूब करके तुरंत ही हमारी फसलों को मिलना शुरू हो जाता है और लगभग 2 दिन के अंदर धीरे धीरे रेट निकाल कर देना शुरू कर देता है। बात करते हैं कितने समय तक ये कार्य करता है। तो किसान भाई यदि आज आपने इसका उपयोग किया तो लगभग लगभग 20 से लेकर 22 दिन तक हमारी फसलों के अंदर ये अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाल करके देता रहेगा और 22 दिन तक हमारी फसलों के ऊपर अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में, उसकी बढ़वा करने में हमारी मदद करेगा। इसके अंदर जो किसान भाई सल्फर दी गई है, सल्फर इसके अंदर होने की वजह से हमारी फसलों के ऊपर फंगस का जो अटैक होता है वो किसान भाइयों काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा, हमारी फसल के अंदर ये फंगस बिल्कुल भी नहीं लगने देगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उन फसलों के अंदर सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो अमोनियम सल्फेट के अंदर सल्फर होने की वजह से इन फसलों पर भी आपको काफ़ी अच्छे और शानदार रेट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी फल वर्गीय फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, इनके अंदर भी किसान भाइयों ये चमक बना करके रखता है, इनकी ग्रोथ को बढ़ा करके रखता है और फसल हमारी जो है लगातार वजन बढ़ाती रहती है, जिससे किसान भाइयों मार्केट में पहुंच करके हमारी जो सब्जियां होती हैं या हमारी जो फसलें होती हैं उनकी हमें अच्छी खासी कीमत देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों ये कार्य कर लेता है। अब बात करते हैं क्या हम इसके अंदर किसी कीटनाशक को या फंगीसाइड को मिला सकते हैं या फिर नहीं। तो अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर आप किसी भी कीटनाशक को मिला लीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलता है, काफी अच्छे रिजल्ट बल्कि ये निकाल करके दे देगा। यदि मैं फंगीसाइड की बात करूं तो अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर आप यदि किसी फंगीसाइड को मिलाएंगे तो फंगीसाइड से भी किसान भाइयों हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, काफी बेहतर रिजल्ट ये निकाल करके दे सकता है। लेकिन क्या हम इसके अंदर किसी अन्य खाद को मिला पाएंगे या फिर नहीं मिला पाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखें अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर कभी भी आपको नाइट्रोजन नहीं मिलानी, यानी कि यूरिया खाद को कभी भी नहीं मिलाना है, क्योंकि जो हमारा यूरिया खाद होता है वो किसान भाइयों सबसे पहले अमाइट्स में टूटेगा और अमाइट्स के बाद वो अमोनियम में टूटता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अमाइट्स से अमोनियम में आने में लगभग 24 घंटे का समय, मतलब 12 से लेकर 24 घंटे का समय लग जाता है, और यदि हम अमोनियम सल्फेट भी डाल रहे हैं और हमारा यूरिया डालें तो ये दोनों एक साथ कार्य नहीं कर पाएंगे, दोनों के जो रिजल्ट हैं वो आपको आगे पीछे देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको इसके 100% रिजल्ट देखने को ना मिले, लगभग 70 से लेकर 80% रिजल्ट ही आपको देखने को मिल पाएंगे। तो कभी भी आपको यूरिया के साथ में जो है अमोनियम सल्फेट को नहीं मिलाना है, या फिर अमोनियम सल्फेट के साथ में आपको किसान भाइयों कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिलाना है, क्योंकि इन तीनों की अलग अलग फॉर्म हो जाती है और तीनों की अलग अलग फॉर्म होने के कारण ये अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके नहीं दे पाएंगे। यदि बात कर लें सागरिका खाद की या फिर बायोविटा खाद की या फिर धनजाइम गोल्ड की, तो इन खादों को आप इसके साथ बड़े आसानी के साथ मिला सकते हैं। यदि सागरिका को आप इसके साथ मिलाएंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों आपकी फसलों के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप
बायोविटा को मिलाते हैं वो भी अच्छा रेट निकाल देगी, धनजाइम गोल्ड को मिलाएंगे वो भी अच्छा रेट निकाल करके देगा। तो अन्य खादों को तो आप इस साथ मिला सकते हैं, लेकिन कभी भी नाइट्रोजन को यानी कि यूरिया को और कैल्शियम नाइट्रेट को इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, अदरवाइज आपका सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, आपको कोई भी फायदा किसान भाइयों देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों अमोनियम सल्फेट जो है हमारी फसलों के ऊपर काफी अच्छी तरीके से काफी शानदार तरीके से रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। यदि जैसे हमारी गेहूं की फसल है या फिर किसान भाइयों हमारी धान की फसल है या फिर किसान भाइयों हमारी गन्ने की फसल है, इनके अंदर किसान भाइयों आप जो है 10 से लेके 15 किलोग्राम तक की मात्रा ले सकते हैं। गन्ने में आप 15 किलोग्राम की मात्रा लीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छे रेट ही आपको निकाल करके देंगे। लेकिन धान में गेहूं में या फिर जो अन्य हमारी छोटी फसलें बच जाती हैं उन फसलों के अंदर किसान भाइयों आपको जो है लगभग 8 से लेके 10 किलोग्राम तक की ही मात्रा लेनी चाहिए, काफी बेहतर और काफी शानदार रिजल्ट ये हमारी फसलों पर निकाल करके देगा। तो अमोनियम सल्फेट के बारे में मैंने आपको एक सही और संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। यदि कुछ भी छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।